ये अंतिम वर्ष है, समाप्ति का वर्ष है। पापा कहते हैं बच्चे अब चलने के लिए तैयार हो गए, सब जाने के लिए तैयार हो गए। कौन कौन आप जाने के लिए तैयार हो गए इस साल में? परमधाम, इतने सारे जाने के लिए, लेकिन तैयार किसको कहेंगे? नहीं तैयार नहीं है वो, झंझट है, इसीलिए कहते हैं आप तैयार नहीं। आप उतरा उठो, सिंदर बढ़ाओ, घर का खाना बनाओ, ये करो, इसीलिए भगवान हमें उठा दो, हम तैयार। इसको तैयार तो नहीं कहते, तैयार उसको कहते हैं जो अशरीरी रहते हैं, विधेय सिद्धि में रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, उसको कहेंगे तैयार। और तैयार आपका इस वर्ष में आपको जो भी करना है सब कुछ क्या करो, आगे चल करके बाबा स्वीकार नहीं करेगा। जैसे 500 की नोट बंद हो गई, 1000 की नोट बंद हो गई, मधुमक्खी डायरेक्शन आया, कोई भी नोट भंडारे में नहीं डालना करके बोर्ड लिखो। ऐसा ही आगे चल करके डायरेक्शन आएगा, क्षेत्र के बाहर लिखो यहाँ कोई भी जमीन देना नहीं, कोई भी मकान देना नहीं, कोई भी कुछ देना नहीं, अब टू लेट हो गया। इसलिए जो करना है अब कर लो। मुझे याद है जब नोट बंद हो गई थी, एक माता जी मेरे पास आई, कहते भैया मैं आसाम से आई हूँ। अच्छा, तो उसने मेरे चाय पत्ती लाया बहुत सारी। हमने कहा ठीक है माता जी, रख दो यहाँ। तो बड़ा सा बॉक्स लेके आई थी। तो कुछ समय बाद मैंने वो चाय वाला भाई था उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तो चाय पत्ती आया वो लेके जाओ। लेके गया, उसने खोला कुछ समय बाद, तो देखा वो चाय पत्ती तो थोड़ी 1500 की सारी नोट ही भरी है। मैंने मेरे पास आया वाला भाई साहब वो तो आए नहीं, वो चाय पत्ती तो थोड़ी नाम मात्र है, अंदर से नोटा भर है। मैंने कहा माता जी को अनाउंसमेंट करो, हमको नहीं चाहिए सब वापिस के लिए, तो कागज हो गया हम तो नहीं यूज करेंगे। तो अनाउंसमेंट वो आई नहीं, क्या उसका जमा हो गया? नहीं, और ही बाबा को फंसा लिया उसने, वो जमा नहीं हुआ, कागज हो गया। अब पहले से काटने के लिए बोलते थे हाथ दर दर कांपता था, डालो नहीं डालो, डालो नहीं डालो। और बाद में इसीलिए बाबा कहते हैं जो देना है जो करना है, बाबा एक बैंक है उसके अंदर बाबा 84 जन्म तक देता रहेगा। इसीलिए समाप्ति के पहले में तो कहता ना, किसकी दबी रही धूल में, किसकी जोर लुटे, किसके राजा गए, सफल उसकी होते जो धनी के नाम से खर्चा करे। इसलिए जो करना अब कर लो, समाप्ति का वर्ष है। तो आगे चल करके बोलते बाबा हमें ये देना चल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जो सेवा में लगता है यहाँ यूज होगा तब दुआएं मिलेगी, बाद में यूज ही नहीं होगा। जैसे ये मकान बनाने के लिए जिसने जिसने दिया यूज हो रहा है, जो बाबा बाबा कहेंगे आपकी दुआ उनको मिल जाती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समाप्ति से पहले आप क्या करो, सब कुछ बाबा को अर्पण करो।